सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट टॉपिक 139 डेमोग्राफिक सर्कमस्टांसेस, जो पॉपुलेशन के अंदर डिफरेंट ट्रेड्स हैं, पॉपुलेशन के मल्टीपल सर्कमस्टांसेस हैं जो एक डेमोग्राफिक सिचुएशन में, एक पॉपुलेशन की सिचुएशन में रोल प्ले करते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, मल्टीपल थिंग्स हैं, मल्टीपल ट्रेड्स हैं और इंडिकेटर्स हैं। पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट डिबेट डेट्स बैक टू टाइम इमोरल। चाइनीज फिलोसफर्स जो हैं, उन्होंने पॉपुलेशन की डिबेट्स पे बात की है, कन्फ्यूशियस एंड अदर्स। आइडियल प्रपोर्शन बिटवीन लैंड एंड पॉपुलेशन, इस पे चाइनीज फिलोसफी में जो डेमोग्राफी की सर्कमस्टांसेज हैं, डेमोग्राफिक इश्यूज हैं, उस पे इन डिबेट्स पे बात की गई है। चेक टू पॉपुलेशन ग्रोथ, कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है जब सर्टन लिमिट से इंक्रीज कर रही है, अगर शहरों की पॉपुलेशन एक सर्टन लिमिट से इंक्रीज कर रही है, या ओवरऑल पॉपुलेशन ऑफ नेशन जो है एक सर्टन लिमिट से इंक्रीज कर रही है, तो उसको कहते हैं चेक ओवर पॉपुलेशन ग्रोथ। के जो कन्फ्यूशियस फिलोसफी है वो कहती है कि उसके ग्रोथ पे कुछ चेक एंड बैलेंसेज होने चाहिए। ग्रीक फिलोसफर्स जो हैं, प्लेटो एंड एरिस्टोटल, उन्होंने भी पॉपुलेशन की डिबेट्स में जो उसके डिफरेंट सर्कमस्टांसेज हैं उन पर डिस्कशन की है। पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्रीक सिटीज, ग्रीक में अर्बन पॉपुलेशन थी, एडवांस साइंटिफिक अर्बन सिटीज थी, आइडियल कंडीशन थी फॉर फुल डेवलपमेंट ऑफ मैन्स पोटेंशियल। के सिटीज में ऐसी आइडियल सिचुएशन हो, कंडीशन हो, कि जो वहां के रहने वाले लोग हैं वो मैक्सिमम अपने पोटेंशियल को यूज कर सकें और डेवलपमेंट की तरफ रोल प्ले कर सकते हैं। रोमन व्यूड पॉपुलेशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ ग्रेट एम्पायर, के रोमन कहते थे कि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होती है, जितने ज्यादा ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, उतनी बड़ी एम्पायर होती है। जैसे कि पंजाब की जो इंडिजिनस कल्चर है, सर्कमस्टांसेज हैं, उसमें ये समझा जाता था कि जितने ज्यादा बेटे हैं उतना ज्यादा वो फर्द ताकतवर है, ये वो ताकत की निशानी थी। माल्थस व्यू अबाउट पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट, माल्थस जो है ये इस सेंचुरी का, पिछली सेंचुरी का बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, जिसने अपने डेमोग्राफी पे, पॉपुलेशन पे, डेमोग्राफिक ट्रेंड्स पे, उसके करेक्टरिस्टिक्स, उसके सर्कमस्टांसेस पे बहुत बड़ी जो डिबेट्स हैं उनको लीड किया है और रोल प्ले किया है। जो माल्थस कहता है कि सब्सिस्टेंस सीवियरली लिमिट्स पॉपुलेशन लेवल, कि लोगों को का जो पॉपुलेशन का लेवल है वो लोगों की सब्सिस्टेंस में रोल प्ले करता है, कि लोगों के पास कितनी सब्सिस्टेंस है। व्हेन मीन ऑफ सब्सिस्टेंस इंक्रीज पॉपुलेशन इंक्रीज, कि जब लोगों के पास लाइवलीहुड, लोगों के पास परचेजिंग पावर, लोगों के पास कैपिटल आता है अपनी न्यूट्रिशन के लिए, खाने पीने की चीजों के लिए, तो वहां ऑटोमेटिक पॉपुलेशन बढ़ती है। पॉपुलेशन प्रेशर स्टिम्युलेट इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, जब पॉपुलेशन ज्यादा होती है तो वहां प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है, क्योंकि मार्केट में ज्यादा चीजें बिक रही हैं, ज्यादा लोग हैं, उन्हें खाने पीने के लिए ज्यादा चीजें चाहिए, पहनने के लिए ज्यादा चाहिए, ऑटोमोबाइल ज्यादा चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स ज्यादा चाहिए, उनकी जितनी भी यूटिलिटीज हैं वो ज्यादा चाहिए। इसका मतलब है कि जहां पॉपुलेशन इंक्रीज होती है वहां प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है। इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी स्टिम्युलेट्स फर्दर पॉपुलेशन ग्रोथ, जब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, वेलबींग भी होती है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ रही होती हैं, और वो चीज जो है वो फर्दर पॉपुलेशन ग्रोथ करती है सोसाइटीज में। सिंस प्रोडक्टिविटी कैन नॉट कीप अप विद द पोटेंशियल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ फॉर लॉन्ग टाइम, पॉपुलेशन रिक्वायर्ड स्ट्रॉन्ग चेक्स टू कीप इट लाइन विद कैरिंग कैपेसिटी, कि जो पॉपुलेशन प्रोडक्टिविटी है वो पॉपुलेशन प्रेशर की वजह से, कि इंक्रीज इन पॉपुलेशन की वजह से वो लॉन्ग टाइम फिर सरवाइव नहीं करती, सस्टेन नहीं करती, कि पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रही है, एक स्टेज पे ये चीज सरवाइव करती है, लॉन्ग टाइम ये इटसेल्फ एक प्रॉब्लम होती है। फिर आपको पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए सर्टन चेक्स रखने पड़ते हैं, उसको कंट्रोल करना पड़ता है, मेंटेन करने के लिए प्रोडक्टिविटी को भी और इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी। रिक्वायर स्ट्रॉन्ग चेक्स टू कीप इट इन लाइन विद कैरिंग कैपेसिटी, के एक सोसाइटी का एक सर्टन लिमिट से ज्यादा पॉपुलेशन का बोझ उठाने की कैपेसिटी नहीं है, तो फिर आपको उसको चेक करना होगा। थ्री काइंड ऑफ चेक्स दैट लिमिट द ग्रोथ पॉपुलेशन, तीन तरह की चीजें हैं जो पॉपुलेशन ग्रोथ को लिमिटेड करती हैं। प्रिवेंटिव चेक्स हैं, कि लोगों को प्रिवेंटिव चेक्स के जरिए, बर्थ रेट कंट्रोल के जरिए, मॉरली उनको अवेयरनेस दे के, जो बर्थ कंट्रोल के डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं वो दे के आप प्रिवेंटिव चेक्स रखते हैं और पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं। पॉजिटिव चेक्स, द
The checks lead to an increase in death rate, war. ये positive checks जो हैं automatically population increase हो जाती है जब कोई कैद पड़ता है, कोई बीमारी पड़ती है या कोई वॉर लाइक सिचुएशन होती है जिसमें बहुत ज्यादा लोग मर जाएं, तो वो ऑटोमेटिक पॉपुलेशन कम हो जाती है. एवोल्यूशन ऑफ पुअर लॉज विच गिव इंसेंटिव्स टू बर्थ कंट्रोल, के बर्थ कंट्रोल के लिए जो पुअर लॉज हैं जिनके जरिए बर्थ कंट्रोल नहीं होती उन लॉज को कंट्रोल किया जाता है. पॉपुलेशन एंड वेल बींग, द कन्वेंशनल वे टू फ्रेम द हैजर्ड्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ टू वेल बींग इज द टर्म ऑफ द रेशियो ऑफ पॉपुलेशन on labor supply to other factors of production. ये है कि नंबर जो पॉपुलेशन में वो लोग जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में रोल प्ले कर सकते हैं, दूसरे लफ्जों में यूथ कितनी है, नौजवान कितने हैं, काम करने की एज के लोग कितने हैं पॉपुलेशन में, ये एक पॉपुलेशन की वेलबींग के लिए बेसिक टूल है. विदाउट मल्टीपल फोकस ऑन लैंड रिसोर्सेज एज वेल and other side without development rapid population growth was likely to continue. ke jab tak development nahi hogi rapid population growth jo hai ye itself ek iska challenging situation hai. to Malthus kehta hai ki with the rapid population growth is cheez ko control kiya ja sakta hai.